तो वेल गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में कुछ फेक सीन्स के बारे में। तो हमें ये तो पता ही है कि एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में कुछ फेक सीन जरूर होने वाले हैं, जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में थे। लेकिन इस बार ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है रूसो ब्रदर्स से, और इस बार खुद उन्होंने ये बात एडमिट की है कि एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में कुछ फेक सीन्स थे। तो जब एम्पायर मैगजीन के साथ इंटरव्यू में रूसो ब्रदर्स ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम में कुछ फेक सीन्स का भी इस्तेमाल किया है, उनका ये कहना था कि सारी फुटेज तो नहीं लेकिन कुछ सीन हमने फेक रखे हैं जिससे मूवी स्पॉइल ना हो। और उनका ये कहना था, वी टॉक्ड अबाउट ऑल स्केल्स ऑफ मार्केटिंग, द थिंग दैट मोस्ट हैपेंड टू अस इन व्हाट वी प्रिजर्व द सरप्राइज ऑफ द नैरेटिव व्हेन आई वाज अ किड एंड सॉ द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक एट 11 AM ऑन द डे इट ओपन इट सो प्रोफाउंडली move me because I didn't know a damn thing about the story I was going to watch we are trying to replicate that experience। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑडियंस को कुछ भी नहीं बताना चाह रहे हैं मूवी के बारे में। चलिए अब आगे भी जान लेते हैं। We look at the trailer as a very different experience than a movie and I think audiences are so predictive now that you have to be very smart about you craft a trailer because an audience can watch a trailer and basically tell you that's what gonna happen in a film we consume too much content so at our disposal are lots of different shots that aren't in a movie that we can manipulate through CGI to tell the story that we want to tell especially for the purpose of the trailer and not for the film। तो इन फेक सीन को भी वो शूट करते हैं जिनसे वो ट्रेलर बनाते हैं, और इसीलिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें कुछ सीन ट्रेलर से मैच नहीं किए थे। जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें हल्क भागता हुआ नजर आया था वकांडा में, लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में शुरुआती में ही हमें हल्क दिखा, उसके बाद पूरी मूवी में हल्क बाहर ही नहीं आया। तो ये सीन जहाँ पे टोनी हमारे एवेंजर्स के साथ एवेंजर्स फैसिलिटी में है, ये सीन बहुत लोगों का कहना है कि ये सीन फेक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीन फेक होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि टोनी अर्थ पे जरूर आएगा। अगर वो अर्थ पे नहीं आएगा तो ये सूट कभी नहीं बनेंगे और हमारे एवेंजर्स कभी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। और हमें ये सुनने को भी मिल रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम 3 घंटा 3 मिनट की होगी, तो बाकी के 3 मिनट में तो पोस्ट क्रेडिट सीन ही दिखाया जाएगा, लेकिन शुरुआती 1 घंटे में हमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि हमारे टोनी स्टार्क स्पेस में ही लटका है। 15 से 20 मिनट में वो स्पेस से बाहर आ जाएगा। जिस सीन की फेक पॉसिबिलिटी है वो सीन वो होगा जहाँ पे टोनी स्टार्क कह रहा था कि खाना और पानी 4 दिन पहले ही खत्म हो गया, लेकिन मूवी में हमें इसका मेन फोकस नहीं दिखाया जाएगा। मेन फोकस होगा थैनोस को हराना, और ये सीन हमें छोटे में ही निपटा दिया जाएगा। और जो दूसरा सीन जिसमें हो सकता है थोड़ी वो है सीन जिसमें हॉकाई और ब्लैक विडो एवेंजर्स के क्विंजेट में है, लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो ये क्विंजेट नहीं होता है बल्कि ये होता है बेनिटार शिप, और ये वही शिप है जिस तरह भी फंसा हुआ है। तो एवेंजर्स एंड गेम में टोनी सक्सेसफुली रिपेयर कर लेगा बेनिटार को और उसको लेकर अर्थ पे पहुंच जाएगा। और जो दूसरी चीज मुझे लगता है कि फेक होगी वो फेक हो सकती है एम्पायर मैगजीन का डिस्क्रिप्शन, जिसका मैं ब्रेकडाउन नहीं कर पाया था कुछ टेक्निकल इशू के बारे में, लेकिन इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करेंगे, टाइम वॉर्टेक्स की मदद से पास्ट में जाएंगे, सारे स्टोन्स को कलेक्ट करेंगे और वो सारे स्टोन्स थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट से गायब होते रहेंगे, और इसके लिए वो यूज करेंगे क्वांटम रियम का, और साथ ही साथ जो डेड एवेंजर्स हो गए हैं उनकी सारी के सारे सोल सोल स्टोन में जमा हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एवेंजर्स एंड गेम में कौन सा सीन फेक है, एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में, सुपर बोल ट्रेलर में, या फिर टीवी स्पॉट में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे दूसरे वीडियो में या फिर नई पोकेमॉन की वीडियो में भी। तब तक के लिए बाय।